अवर फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पैरासिटोलॉजी। व्हाट इज पैरासिटोलॉजी? पैरासिटोलॉजी मेनली स्टडी ऑफ पैरासाइट। ये पैरासाइट्स की स्टडी होती है। एक्ट्रामाते पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन होता है। इसमें एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट पर लाइव करता है, और होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका शोषण होता है। होस्ट पैरासाइट का रेजिडेंस पैलेस होता है। ये होस्ट से न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स एंड शेल्टर लेता है। इन 1971 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्रोफ्टन था। उसने होस्ट और पैरासाइट को कैसे डिफाइन किया कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनका पोटेंशियल होता है कि वो अपने होस्ट को किल कर सकें। उसके बाद पैरासाइट की क्या डेफिनेशन होती है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेटाबॉलिकली, न्यूट्रिशनली एंड ग्रोथ एंड मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। उनको पैरासाइट कहते हैं। मेटाबॉलिकली डिपेंडेंस वो होते हैं जो कि मेटाबोलाइट्स फूड मटेरियल के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। इसके अंडर न्यूट्रिशनल डिपेंडेंस आता है। ये वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जो फूड मटेरियल होस्ट से लेते हैं वो डाइजेस्टेड भी हो सकते हैं और अनडाइजेस्टेड भी हो सकते हैं। मोनोजेनेटिक ट्रेमाटोड्स इसका एग्जाम्पल है, जो फिश के गिल पर रहती है, और जो गिल की ब्लड वेसल है वहां से ब्लड सक करती है। कुछ पैरासाइट डाइजेस्टिव एंजाइम भी होस्ट ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं, जिसमें ट्रेमाटोड और निमाटोड जो एग्जाम्पल है, उनके पास अपने एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बट जो टैबवर्म एंड गैस्ट्रोड्स ऑर्गेनिज्म हैं, जो पैरासाइट हैं, उनके पास खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। तो ये फूड मटेरियल के साथ लोट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम भी टेक करते हैं, जो फूड मटेरियल के डाइजेशन में हेल्प करता है। डेवलपमेंट स्टूमलाई वो स्टूमलस होते हैं जो स्टूमुलेट करते हैं पैरासाइट को टू एंटर द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए स्टूमुलेट करते हैं, सिग्नल देते हैं। पैरासाइट जो अनसिस्टेड स्टेट में प्रजेंट होते हैं, या जो निमाटोड होता है उसका जो लार्वा होता है सस्पेंडेड स्टेट में प्रजेंट होता है, इनको नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए क्या चाहिए होता है कि ये जो होस्ट की इंटेस्टाइन की हाई प्रेशर ऑफ CO2 का डिटेक्ट करते हैं और डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं, और यही प्रोसेस आगे फर्दर स्टिमुलेट की जाती है बाइल से। कंट्रोल ऑफ मैचुरेशन क्या होता है कि जो पैरासाइट स्पीशीज होस्ट पर डिपेंड करती है कि वो मैचुरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो। इसमें क्या होता है कि जो एंडोक्राइन होस्ट का एंडोक्राइन सिस्टम किसके लिए डेवलप होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। बट कुछ पैरासाइट जैसे फ्रोगट में ओपलिनो इसको डिटेक्ट करता है एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट में एंटर करता है, मींस मैच्योर गोइंग टू टुवर्ड मैचुरेशन। ये फ्रोगट का पैरासाइट है। होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप के बेस पे पैरासिटिज्म टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज टेम्प्रोरी, और पार्शियल पैरासाइट, ये वो पैरासाइट होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ एज ए पैरासाइट स्पेंड नहीं करते,
ओनली लाइफ का कुछ हिस्सा ही एज ए पैरासाइट स्पेंड करते हैं और बाकी लाइफ को एज ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेंड करते हैं। इन पैरासाइट को टेम्पररी पैरासाइट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो ग्लोशीडियम लार्वा है जो यूनियो होता है फ्रेश वाटर म्यूसल्स ग्लोसीडियम लार्वा यूनियो का पैरासाइट है। दूसरा एग्जाम्पल है लीच लाइस बग बैड बग। सेकेंड आता है परमानेंट पैरासाइट। ये वो पैरासाइट होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ होल लाइफ एज ए पैरासाइट ही स्पेंड करते हैं। ये विदाउट होस्ट नहीं रहते। और इसका इसके अंडर दो पैरासाइट आते हैं, दो डिफरेंट टाइप आती है। एक होती है एक्टो पैरासाइट और एक होती है एंडो पैरासाइट। जो एक्टो पैरासाइट होती है वो होस्ट के सरफेस पर रहते हैं, लाइव ऑन होस्ट सरफेस। बग्स फ्लीज टिक्स लाइस लीच इसके एग्जाम्पल है। एंडो पैरासाइट इनसाइड द होस्ट, ये इनका रेजिडेंस पैलेस इनसाइड द होस्ट होता है। और इसके एग्जाम्पल है टेनिया एस्केरी और एंटेमिबो। दीज आर मेनली डिजीज काजिंग एजेंट। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट के एसोसिएशन में ही पैरासिटिज्म बिहेवियर शो करते हैं। एज ए फ्री ऑर्गेनिज्म दे लीड नॉर्मल लाइफ। और इसके एग्जाम्पल है ऑयस्टर प्राण। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ये वो पैरासाइट होते हैं जो जिनको लाइफ स्पेंड करने के लिए स्पेसिफिक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फ्लैट वर्म, टैब वर्म, राउंड वर्म, सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोन्स। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है कि जो पैरासाइट होते हैं फर्दर पैरासाइट बाय अनदर पैरासाइट। एक पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म एक होस्ट सेल होस्ट पे एक पैरासाइट है, उस पैरासाइट पे एक और पैरासाइट होगा तो उसको हाइपर पैरासिटिज्म कहा जाता है। जो टोडफिश होती है उसके यूरिन ब्लैडर पर एक पैरासाइट होता है स्फेरोस्पोरा पॉलीमोर्फा, और स्पेरोस्पोरा पॉलीमोर्फा पे अनदर पैरासाइट लाइव करता है जो होता है नोस्मेना नोटाबिल्स। हेलो पैरासाइट क्या होते हैं? हेलो पैरासाइट जो होस्ट पर होल न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। इसका एग्जांपल है कुस्कुटा जिसका कॉमन नेम है अमरबेल, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। ये एकेसिया किकर का पैरासाइट है। सेमी पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कुछ पार्ट होस्ट से लेते हैं कुछ खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि वाटर और मिनरल्स होस्ट से ड्राइव कर लिए एंड फूड खुद सिंथेसाइज कर लिया। इसका एग्जांपल है लोरियंथस। एक और प्रकार का पैरासिटिज्म बिहेवियर होता है जो सोशल पैरासाइट होता है, जिसमें एक स्पीसीज बेनिफिट होता है, एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो कुकू होती है कोयल, वो अपने ले इट्स एग इन द नेक्स्ट ऑफ क्रो एंड क्रो केयर यंग वंस
क्रो एक्ट एज फूस्टर पेरेंट्स। अब आता है कि जो पैरासाइट होते हैं वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, इसके मैनी मेथड है। जैसे कि फर्स्ट है स्वेलिंग, इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट एग सिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम फूड वाटर आदि के साथ इंजेक्ट कर लेते हैं, तो ये दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट हो जाता है। दूसरा आता है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म पर को इन्फेक्ट कर सकता है। जिसके जो एक्टो पैरासाइट होते हैं, जो सरफेस होस्ट की बॉडी पर लाइव करते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है लाइस, बग, बैड बग। लास्ट आता है कि जो इसके सिग्निफिकेंस, पैरासिटिज्म के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। पैरासिटिज्म मेनली पैरासाइट को क्या फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यही पैरासिटिज्म के सिग्निफिकेंस है।